कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो सर्टन फैमिलीज में होती हैं, जिनमें से एक रस्म होती है कि आप हाथ डालते हैं एक बोल के अंदर और उसके अंदर दूध होता है और पत्तियां होती हैं या डिफरेंट चीज़ें अंदर होती हैं और आप अपना हाथ अंदर डाल के उसमें से अंगूठी ढूंढते हैं और जो अंगूठी ढूंढ लेता है लड़का या लड़की, जिसके भी हाथ में अंगूठी आती है, ब्राइड या ग्रूम जिसके पास अंगूठी आ जाती है, उसकी घर में हुक्मरानी होती है। अपेरेंटली ये एक अलेजेड बात है, गारंटी किसी बात की नहीं है। नहीं, आप दोनों ने हाथ डालने और आपने चेक करने, हो सकता है कि दोनों में से किसी की हुक्मरानी हो, जिसे मिलेगी पहले उसकी हुक्मरानी है। और ये रस्म आप लोगों की नहीं हुई थी? अच्छा, कौन सी रस्में हुई थी? कोई रस्में नहीं थी, सिर्फ निकाह हुआ था, सिंपल निकाह। अच्छा, एक मिनट से, वो तो खैर वहाँ पहुँचे नहीं हम, अभी हम पहुँचे नहीं वहाँ पे। तो जने, पहले मुझे जल्दी से ये बता दें कि क्या सिचुएशन हुई थी। आपने जब इनको बताया कि मैं डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ और मैंने शादी करनी है आपसे, तो फिर क्या जवाब मिला? मैंने बोला कि भाई आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं जो ना आपके ऊपर बहुत सहज जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पहले तो थोड़े फकी बकी सर एक्टिंग की होगी गालिबन। मुझे भी आप पसंद है तो आप ऐसा करें, मेरे पेरेंट्स से बात करें। मैंने कहा आपको पता है मेरी बीवी है, डिवोर्स चल रही है मेरी, लेकिन मेरी पहले दो बीवियाँ और भी रह चुकी हैं, तो उसमें थोड़ा मुंह खुला रहा है। दो मैंने कहा कि कैसा इंसान है, तीन शादियां कर ली और बता भी रहा है कि तीन मैंने कर ली। तो शुक्र है बता रहा है, ये तो फिर बहुत अच्छा इंसान। और शादी करने की रीजन भी ये थी कि बता दिया, वरना मुझे नहीं पता चलता। अगर ये मुझे नहीं बताते, इनकी जो सारी फैमिली तो मेरठा में थी, यहाँ पे कोई भी नहीं था मुझे बताने वाला जो मुझे कहता कि इनका ये सीन है, तो उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया। उससे मैं बहुत इंप्रेस हुई कि मुझसे ये बात छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने झूठ नहीं बोला, तो इस वजह से फिर मुझे और ज्यादा अच्छे लगे। और फिर शादी, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स से बात करें, मैंने उनसे बात की तो फिर वो भी एग्रीड हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले घर से बता दिया था कि ये सीन है, तो फिर हम दौड़ा। लेकिन पिछली शादियों का जब बताया तो क्या रिएक्शन थी उनकी? उन्हें बताया ही नहीं। इन्होंने कहा कि जो ना आपने मेरे घर से बात नहीं करनी पिछली शादियों की, वो शौक मैं अब्सॉर्ब करूंगी, उन्हें बस एक ही बताऊंगी, तो आपने भी एक ही बताना है, क्योंकि आपका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन जब बाद में उनको पता चला तो क्या हुआ? बाद में बता दिया उन्होंने, दो साल बाद। तो नहीं, दो साल नहीं, कोई 5 से 6 साल बाद मैंने अपनी अम्मी को बताया। 5-6 साल हमने नहीं बताया, हमारे माशाल्लाह 2-3 बच्चे भी हो गए थे उसके बाद। मैंने कहा बता देना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई इतना एतराज नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुश यहाँ पे लाइफ में, एक चीज अलाउड है, चाहे नापसंद है डिवोर्स मजहब में, लेकिन अलाउड है अगर खुदा ना खास्ता चीजें ना वर्कआउट करें। और आप लोग भी निकाह के रिश्ते में आए थे, ये तो नहीं है कि आप कोई वैसी अपना चक्कर चल रहा था कुछ तरह की बात। खैर, I have to give you full credit. एक कभी कभी यंग लड़कियों को मर्द जो है बेवकूफ भी बनाने की कोशिश करते हैं, सो और चीजें होती है। आपने बहुत एक रिस्पेक्टफुल और डिसेंट डिसीजन लिया और इसका फुल क्रेडिट आपकी अपब्रिंगिंग को जाता है। देखिए, हम नेगेटिव चीज के ऊपर लोग फोकस करते हैं प्रीवियस मैरिजेस पे, हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। तो एक इंसान ने बिल्कुल सही रास्ता अख्तियार किया। 19 साल की लड़की जो होती है उसको कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इतनी उसको सेंस नहीं होती। देखो, I'm sure आप सेंसिबल थे, लेकिन एक हद से ज्यादा, और ऊपर से एक इतनी मासूम यंग गर्ल, सो आई थिंक यू डिड द राइट थिंग। जी जी, बिल्कुल, मुझे लगा कि बहुत मासूम है, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग। तो मैं, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसे नहीं थी, तो मैं तो वैसे ही इंप्रेस था कि भाई इतनी मासूम लड़की है, जिसकी भी बीवी बनेगी बंदा लकी होगा, तो मैं कहूँ खुद ही भी लकी हो जाऊंगा। खुद ही अपने आप को लगवा, आप अप्रूव करते हैं स्टोरी को। अच्छा चले, अब हाथ डाले इसके अंदर दोनों और अंगूठी ढूंढे। अगर आप की बारी आए मेरी ना आए, हाँ शायद वो मुझे पकड़ा देंगी। ब्रेक आ जा रही, अंगूठी नहीं मिलनी, ढूंढे क्या ढूंढे कॉली चुकना दोनों हाथों से, जरा पीछे आ, अभी हाथ नहीं साफ करने, अभी हम इसमें अंगूठी डालेंगे। मजर चल, मैं तो बोला कुड़ी नहीं है उसमें। आपने घड़ी देन डाल दी। अरे एक मिनट, 1-2-3 गो। पहले जो ढूंढेगा रोप उसका।
राबिया क्या ये सच है? ज्यादा रोब इन्हीं का है? बिल्कुल सच है, ज्यादा क्या रोब इनका है। अब अंगूठी की फेस देखे कैसे मैंने, अब उनको पहना भी दीजिए। हाँ, sure. भाई तेरे दिल वाली अंगूठी है ये डिस्कोनेस मेरी गलती नहीं है। राबिया भी बड़ी परेशान है इस अंगूठी की शक्ल से, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, रोमांस ऐसा ही है। अच्छा जी, तो उनको आप ये आप ये पक्की पक्की इनकी हो गई? नहीं, पहले ही पक्के थे, अभी उनकी 10 ईयर एनिवर्सरी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, राबिया के हाथ अभी तक साफ है, ये देखे ना, ये गंदा सा। और मेरे भाई ने पूरे अपने बाजू जो ऊपर कर लिए थे कि मैं स्विमिंग करूंगा। अच्छा, पहना दी हमने अंगूठी? नहीं अभी नहीं, किधर है अंगूठी का भाई? अच्छा, खुद पहनने लगी, साफ भी कर रहे हैं, साफ करके बना रहे हैं, देखे कितने अच्छे इंसान। वो तो मुझे तभी समझ आ गई थी जब गजरे उन्होंने खुद आपको अपने हाथों से बनाया। हमेशा मुझे गजरे बनाते हैं, जूड़ी पहनते हमेशा बंद करते हैं माशाल्लाह इतने अच्छे। इससे मैं आई गेस पूरी आ जाए, मुझे वरना इंसल्ट हो जाए। और फिट भी आ गई, वाह जी वाह। अच्छा, ये मुझे मिली आज, ये मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया। अच्छा, खुद बता दो एनिवर्सरी पे तो मैंने डायमंड रिंग कहाँ है वो? घर जी दे देती आगे से आप साल हो गए, कहती है ले मेरी बहन तेरे लिए। अच्छा, तो डायमंड की रिंग दी थी आपने उनको, तो काश पहनी होती तो हम दिखाते भी व्यूअर्स को। नहीं वो सॉरी, देख रहे हैं आप लोग सुनने वाले कि मतलब जब एनिवर्सरी और 10 ईयर एनिवर्सरी पे तो कम से कम डायमंड की रिंग बनती ही बनती है। अच्छा, स्पॉइल करते हैं आपको जी, मतलब सब इनका इनका कौन सा ऐसा लाड है आपके साथ जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस भी करता है, और वो जो होता है ना कि चीचियों वाला अगले पे प्यार आता है कि हाय कितनी क्यूट बात है, हर बंदा कोई कोई एक स्पेशल चीज करता है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं मॉल में जाऊं कहीं पे भी जाऊं, मुझे कोई ना कोई चीज पसंद आ जाती है और मुझे आराम से ले देते हैं। मैं कहती हूँ यार ये अच्छी है, और अगर मैं दो चीजें कंपेयर करूं कि ये अच्छी है ये अच्छी है, तो उन्हें प्राइस का नहीं पता होता, तो ये हमेशा महंगी वाली चीज चूज करते हैं कि ये अच्छी है ले लो। इन्होंने माशाल्लाह मुझे डायमंड का सेट भी लेके दिया है। मेरी एनिवर्सरी अभी थी तो जो गिफ्ट है वो मैंने 3-4 महीने पहले ही ले लिए थे, मुझे तब पसंद आ गया था, मैंने कहा मुझे अभी ले दें। अपनी सालगिरह का भी मैं एडवांस में ले लेती हूँ कि मेरी सालगिरह आ रही है तो आप मुझे पहले ही ले दें, और जब फिर आ जाती फिर मैं कहती हूँ मुझे तो आपने दिया ही नहीं, वो तो पहले। फिर कौन सी कोई बात बहुत ही प्यारी लगती है जिसको जो कहते हैं ना कि चिची वाला प्यार आता है, लाड आता है, हर बंदे की कोई एक आदत होती है यूनिक सी, पता नहीं आप चिचियों वाला लाड प्यार आई गेस जब मैं बेवकूफ बन जाता हूँ। हाँ, जब भी मेरी बातों में आ जाती है, मैं कुछ भी कहूँ ना तो मान जाती, मैं कहता हूँ बातों में ना आती तो आज बीवी भी ना होती, शुक्र करे बातों में आ गई। वो कहते ना हंस गई तो फंस गई, मामला ठीक है, मामला ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने एक एक चम्मच एक दूसरे को मीठे का खिलाना है, रस्म के बाद का एक प्रोसीजर है, हमने उसको फॉलो करना है। वैसे ये रस्म मैंने भी कभी नहीं की, इतने साल मॉर्निंग जो करने के बाद हमने भी आप पे आजमा रही हूँ, लेकिन चलो कम से कम पता चला कि ये सच है, क्योंकि इनका रोब है तो रिंग भी इनको मिली है, तो इससे आपको मिली है, उन्होंने पकड़ी है। एक्चुअली रोब किसका है घर में? इन्हीं का है। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहती, इन्हें कभी गुस्सा भी आया तो मैं चुप कर जाती हूँ, मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैंने इनकी डबल क्लास ले ली। डबल क्लास ले ली। तो फिर रोब किसका, किस चीज का जी? मौके का, डबल मौके का रोब है। अच्छा, दोनों एक एक निवाला खिलाए, मीठे का लब्बे चीनी का जो मेजबीन ने बनाई है, मेजबीन बड़ी अच्छी बनाई है, किसी दिन मैं आपसे व्हाट्सएप पे रेसिपी ले लूंगी, क्योंकि रेसिपी के बाद जाने का वक्त नहीं आया। और बाय द ओ, अच्छा, एक दूसरे को आपने बाइट खिलानी है, हमें फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक की तरफ जाना है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये भी आपके साथ शेयर करना है कि लव लेटर्स दोनों ने एक दूसरे को लिखने हैं, तो वो लव लेटर्स क्या हैं उसकी तरफ हम फौरन ब्रेक के बाद जाएंगे। लव स्टोरी तो हमने सुन ही ली फॉर्चुनेटली। अच्छा, 2 चम्मच हमने रखे थे, ये पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं, उसी चम्मच से उन्होंने निवाला खाया और उसी चम्मच से मेरे भाई जो है वो राबिया को, ये चम्मच ज्यादा अच्छा हो गया इसमें ये ज्यादा मीठा। अच्छा, हाँ। नहीं बेटा, उन्होंने निवाला लिया होता और आपने फिर लिया तो फिर ज्यादा मीठा होता ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप ज्यादा मीठे हैं, मैं सबके जाऊँ, गॉड ब्लेस यू बोथ, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आपके चारों बच्चों को लंबी सेहत वाली खुशियों वाली जिंदगी दे, और वो अच्छे इंसान।